हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। शुरुआत करने से पहले एक प्यारी सी थॉट। मुश्किलों से भागना आसान है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहां है। उसी तरीके से अब मैं इंटीग्रेशन शुरू करना चाहूँगा। जो चैप्टर का नाम है आज हमारा इंटीग्रेशन। मेरा नाम अभिषेक फ्रॉम एवी स्मार्ट स्टडी। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन कोई हवा नहीं है जिसे बना रखा है। सिर्फ आपको पहले कुछ चैप्टर्स को क्लियर करना है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्यों हमने यूज़ करी, क्या उसका दायरा था, किस तरीके से हम उसको पढ़ते चले गए, फिर उसका यूज़ आना शुरू हो गया। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, तभी आप इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ डिफरेंशिएशन बिल्कुल जीरो है, तब भी कोशिश ये करूंगा कि आपको इंटीग्रेशन की पहली वीडियो से ही सारा इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सारी वीडियोस को प्लीज़ ध्यान से समझते चलना। हर वो छोटे से छोटे बेसिक क्वेश्चंस जो मैं कराने वाला हूं, उसका रीज़न ये है कि मैं बेसिक पे ज़्यादा फोकस करूँगा, आपके कॉन्सेप्ट्स पे। अलग से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, उनको करना। अगर कोई दिक्कत आएगी तो नीचे दिए गए लिंक पे और नंबर पे आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी काफ़ी ब्रांचेस हैं जिसमें आप अलग से कभी भी नियरेस्ट लोकेशन पे आकर के मेरे से डायरेक्ट मिल भी सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के। चलिए, पहले बात आती है इंटीग्रेशन है क्या। अगर मैं देसी लैंग्वेज में बात करूँ, इंटीग्रेशन जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक तरह से उल्टा है एक किसका, डिफरेंशिएशन का, जिसे हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन को पढ़ने का रीजन क्या है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है, πr², पर मैं पूछूं क्यों है, पढ़ा था बस सर ये तो पता नहीं क्यों। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इंटीग्रेशन जो है उस फॉर्मूले को डिराइव करेगा, तो 4th या 5th क्लास में तो इंटीग्रेशन नहीं सीखी थी, तो फॉर्मूला बनाना भी नहीं सीखते। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती गई, तो हमारे को पता चला अच्छा ये इंटीग्रेशन भी कहीं ना कहीं काम आएगी। अब और एरिया आप इतना तो समझ पा रहे होंगे, एक छोटी सी लेबर भी आकर के एरिया नाप के बताते कि इतना एरिया और लग रहा है जी, इतना आप पेंट मंगा लो, इसके अकॉर्डिंग इतनी चीज़ लगेगी। क्लियर। तो अब सिचुएशन आती है कि इंटीग्रेशन है क्या, ये तो क्लियर है। इंटीग्रेशन के अंदर मैंने भी बताया कि जस्ट डिफरेंशिएशन का जब हम उल्टा करेंगे, जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं किसी वेरिएबल का किसी अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो बड़े पर अगर मुझे वापस जाना है तो इंटीग्रेशन तो आना चाहिए ना। कि अगर किसी चीज़ से अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, तो इधर से इधर आने का भी तो सेम रास्ता होगा, पर तरीका क्या होगा, उसी को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। चलिए बेटा जी, इंटीग्रेशन में देखते हैं इंटीग्रेशन में है क्या। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डिफरेंशिएशन करा तो क्या आया, f डैश एक्स। क्लियर है। डेरिवेटिव करने के बाद, डेरिवेटिव का जब मैंने इंटीग्रेशन करा तो क्या आया, वापस f(x) जो है किस तरीके से लिखा जाएगा, d/dx। जब हम किसी फंक्शन का करते थे f(x) का, तो कहलाता था f(x)। पर अगर मैंने बोला कि मुझे एंटी डेरिवेटिव करना है, मतलब f(x) से वापस जाना है, तो f(x) का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये सिंबल होगा जो साफ सा लहरता हुआ दिख रहा है। f(x) का किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के। तो जैसे डेरिवेटिव जब किसी के रेस्पेक्ट में करते थे तो नीचे लिखते थे dx, उसी तरीके से जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसी तरीके से लिखेंगे dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन करने के बाद मान लेते हैं वापस तो आया f(x), पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और लिखेंगे, क्योंकि हम इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं। इसी में एक आएगा डेफिनेट इंटीग्रल्स, जिसमें हमें डिफाइन करेगा कि यहाँ से यहाँ तक का दायरा है, तब तो x भी नहीं बचेगा। अब सिचुएशन आती है कि इंडिफाइनेट और डेफिनेट से मतलब क्या है। धीरे धीरे ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, वो जो आपको आगे की वीडियोस में पता चलेगा। बस अभी एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप खुद सोचो, मैंने बोला डेरिवेटिव करा किसी फंक्शन का, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हुआ होगा जरूर। अब जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हुआ तो वो जीरो हो गया। अगर मैं वापस जब जाऊंगा तो मुझे कैसे पता कि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या रहा होगा, हो सकता है 5 रहा हो, 7 रहा हो। तो इंटीग्रेशन करते समय जब हम वापस उसको करेंगे तो हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसलिए लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, जिससे उसकी कमी पूरी की जा सके। एक एग्जाम्पल लूंगा जिससे आपको कुछ बातें क्लियर होंगी, पर उससे पहले एक फॉर्मूले कुछ हम याद करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस जानने से पहले। देखिए बेटा जी, अगर मैं बात करूं आपसे d/dx, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या है, n x की पावर n-1। पावर को नीचे लाके एक कम, एग्जाम्पल के तौर पे x की पावर 7 का डेरिवेटिव 7, x की पावर 6, x की पावर 11 का 11, x की पावर 10, x की पावर 5 का 5, x की पावर 4, ये आप इसके हैबिचुअल हो चुके हो इसलिए बोल पा रहे हैं। इसी तरीके से सेम फॉर्मूला लगेगा किसमें, x की पावर n का इंटीग्रेशन, जो मैंने बताया साफ सा जो लहर रहा है s से शेप में, तो ये तो क्या कहलाएगा इंटीग्रेशन का सिंबल। dx x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या आएगा n क्या x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। मैंने कहा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जरूर लिखेंगे, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ऐसा क्यों, एक मिनट समझने की कोशिश करना, वापस फिर क्वेश्चन पे आ जाऊंगा मैं। अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूं तो डेरिवेटिव करते हैं जरा, x की पावर n प्लस 1 था, नीचे कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करते समय पावर को नीचे लाया, एक कम करा, तो x की पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो क्या आया देखो n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 माइनस 1, और n प्लस 1 पहले से था और इसका जीरो हो गया, ये कटा ये कटा और ये तो वापस x की पावर n हो गया। तभी तो कह रहा हूँ कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा जी अगर मैं बात करूँ x की पावर 6 का इंटीग्रेशन बताओ, तो मैं क्या करूँगा x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस c, x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। आया समझ, x की पावर 9 का इंटीग्रेशन, x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1, जिसे सॉल्व करके क्या लिखेंगे x की पावर 10। एक बार और ध्यान दीजिएगा बेटा जी, अब ये जो आप कुछ फॉर्मूले देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने भी बताया बेसिक फॉर्मूले, यहां पे ध्यान दीजिएगा x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। जितने नीचे फॉर्मूले धीरे धीरे ऐड करेंगे, पहले एक फॉर्मूले को हम अच्छे से रगड़ लें। लाइक कैसे, सभी बेटा जी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिख रहा है x की पावर 6, लिखने का तरीका x की पावर 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 प्लस c, तो आंसर क्या आया x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। आया समझ। दोबारा से अगर मैं आपसे कहता हूँ x की पावर 11 का इंटीग्रेशन बताओ, क्या आएगा x की पावर 12 अपॉन 12 प्लस c, x की पावर 7 का x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। वेट, इसी तरीके से अभी तो और इंटीग्रेशंस हैं, इसके अंदर ना कोई प्रोडक्ट रूल वेरी नहीं करता। अगर मान लो कोई कांस्टेंट आपके साथ आ भी जाए, जैसे कि आप दूसरा क्वेश्चन दिख पा रहे हैं बेटा जी, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको 7x क्यूब है। अब यार 7 को कैसे करूं, कुछ नहीं करना, जब डेरिवेटिव करते थे किसी वेरिएबल के साथ, तो डेरिवेटिव वेरिएबल के साथ जब कोई कांस्टेंट होता था, कांस्टेंट को पहले अलग करते थे। अगर मैं आपसे ये कहूँ 14x की पावर 5 का बताओ, 14x की पावर 5 का डेरिवेटिव बताओ, d ओवर dx। समझते चलना, मैंने कहा था डिफरेंशिएशन भी साथ साथ समझ आएगी आपको। तो 14 पावर को नीचे लाके एक कम करता था, तो एक तरह से 70x की पावर 4 होता था। इसी तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर 7 को पहले बाहर करा, x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा बस, और x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा 7x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ बेटा जी 9x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो क्या आएगा 9x की पावर 5 का इंटीग्रेशन होना है, जो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 9x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। वेरी गुड। अब थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं। इसी तरीके से हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि एक ही फंक्शन, एक ही वेरिएबल, एक ही चीज़ होगी। वेट, तो प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन दिख रहा होगा 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x। वेट, इंटीग्रेशन चाहो तो पहले सबके साथ अलग अलग लगा लो, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पर आपको ये ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट ही करना, पहले बस एक बार समझ आ रहे हैं। फिर से इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया 7x स्क्वायर के साथ, माइनस अलग करा 5x का। देखो तो ये छोटे छोटे 3 क्वेश्चन हो गए ना, इन्हें उसी तरीके से करेंगे। पहले क्या 6 को बाहर करा एक्स क्यूब का, 7 को बाहर करा एक्स स्क्वायर का, और 5 को बाहर करा एक्स की पावर एक तरह से 1 है, अगर कुछ नहीं होता तो 1 की तरह ट्रीट करेंगे। बेटा जी सभी ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब का क्या है एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 5 एक्स की पावर 1 का एक्स की पावर 2 अपॉन 2। पर एक चीज़ रह रही है अभी, क्या सी, इंटीग्रेशन हो गया पर एक छोटी सी बात बताओ, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो रहेगी ना, जिसकी वजह से बंदा सोचता आंसर मैच नहीं हुआ। अरे एकदम से इंटीग्रेशन करके नहीं छोड़ा जाएगा, और ना इंटीग्रेशन फर्स्ट स्टेप में होगा। कुछ क्वेश्चन थोड़े से वेरी करेंगे आगे तक, उन्हें समझने की कोशिश करना। क्या दिख रहा है बेटा, 3/2 x/4, 7/3 x³ -5/2 x²+c। आया समझ? एक तरह से मैंने जो आपको छोटी सी बात बताई इसके अंदर कि अगर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होगा तो उस वेरिएबल को पहले बाहर लगाएंगे, x बचेगा और x का इंटीग्रेशन सीधा सीधा क्या होगा, ax²/2 + c। क्लियर यहाँ तक? जैसे कि सभी ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे एक चीज़ बताऊँ, छोटी छोटी आप फॉर्मूले कुछ याद करते हुए हम, मैं आपसे बेटा जी एक बात कहूँ, किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता था जब डेरिवेटिव के टाइम पे क्या करते थे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसी तरह से यहाँ पे 0 नहीं करेंगे, 1 बचेगा। और 1 किस का डेरिवेटिव होता था, x का। ध्यान दीजिएगा, x का डेरिवेटिव होता था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। मतलब यहाँ पे किसी भी कांस्टेंट का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, जैसे मैंने 7 का इंटीग्रेशन करा, तो 7 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है 7x+c रहेगा। 11 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 11x+c। वेट, पर अगर किसी वेरिएबल के साथ होगा तो वो बाहर चले जाएगा। तो बेटा जी ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है, मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, पर वेट अभी हमारे को कुछ डायरेक्ट नहीं आता। हम बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल 0 मान के चल रहा हूँ इस वक्त। अभी जब तक मैं आपको 0 मान के चलूँगा तभी मैं आपको सारे बेसिक समझा पाऊंगा। और प्लीज़ थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखना। जितने एग्जांपल्स अभी मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से और थोड़ा सा लेवल हाई करके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, वो आप अभी करना, तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना तब तक आप आगे के पार्ट की वीडियोज़ नहीं देखेंगे, ये ध्यान रखना। जैसे कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे 2x + 3 का होल स्क्वायर है। अब वही वाली सिचुएशन आती है, यहाँ पे चेन रूल जैसा मान लेते, नहीं होता, होता तो है, लगा सकते हैं पर अभी नहीं होता, मान लेते हैं। तो क्या होगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्या a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? अब सेम इस वक्त मेरे लिए a क्या है, क्या दिख रहा है बेटा जी, 2x + 3 का होल स्क्वायर। तो मैं पहले फॉर्मूला खोलूँगा, a² + b² + 2ab। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक, तो थोड़ा सा साइड बढ़ा देता हूँ ये। अब वेट, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, 4x² + 9 + 3 × 6 × 12x dx सिचुएशन आती है। अब कुछ के माइंड में चल रहा होगा, ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी क्वेश्चंस आगे आएंगे तब डायरेक्ट करना पता चलेगी। ठीक है, कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन हो गया। अभी बताया 4x² का इंटीग्रेशन, अब आप बताते चलो x³ / 3, 9 का इंटीग्रेशन 9x, 12x का इंटीग्रेशन x² / 2। जल्दबाजी में वन नहीं, डेरिवेटिव नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे 2 माइंड करने हैं, एक डिफरेंशिएशन का और एक इंटीग्रेशन का। एक तरफ आपको डिफरेंशिएशन माइंड में रखना है, पर डिफरेंशिएशन करना नहीं है अभी, इंटीग्रेशन के टाइम पे इंटीग्रेशन का माइंड रखो। यहाँ पे एक तरह से पावर बढ़ा करके टोटल नीचे लिखा जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलिए। तो बेटा जी अब वेट, अब यार ये कैसे होगा, कोई बात नहीं, पावर जब बहुत ज़्यादा हमारी हैसियत से ज़्यादा होगी तब हम इसको किसी और वे में करेंगे, पर अभी हमारे को फॉर्मूला याद होना जरूरी है, जो कुछ क्वेश्चनों में जरूरी पड़ेगा। a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। वेट, तो सभी ध्यान दीजिएगा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। बेटा जी कुछ दिख रहा है, मैंने एक गलती कर रखी है यहाँ पे। बोर्ड एग्ज़ाम्स में या किसी भी आप एग्ज़ाम्स की जब तैयारी कर रहे होते हैं, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं टीचर। ऐसा लग रहा है इंटीग्रेशन का सिंबल x³ ने बांट लिया और dx कह रहा है ये मेरा, और बीच वाला जा भाड़ में। इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करना। क्लियर? अब वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब यह लग रहा है कि हाँ इंटीग्रेशन का सिंबल सबके साथ हो गया और dx सबके साथ हो गया। क्लियर? अब इस प्रेजेंटेशन की वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक्स क्यूब 1 3x स्क्वायर और 3x, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? इंटीग्रेशन का अपडेट। अब एक गलती देखना अगर पकड़ सको तो एक्स की पावर 4 x 3x³ बाई 3 प्लस 3x² बाई 2 प्लस सी। क्या गलती है? इंटीग्रेशन का सिंबल। ये प्लीज़ ध्यान रखना, ये गलती बहुत कॉमन है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर भी देते हैं और इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं हटता। तो उम्मीद करता हूँ ये इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं दिख जाए। ठीक है, जैसे ही आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल साथ साथ हटा देना। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। फिर आप कहते हैं सिली मिस्टेक हो गई। वो सिली मिस्टेक ना सब धरी की धरी रह जाएगी अगर आप बहुत माइनर मिस्टेक करोगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बेटा जी देख पा रहे होंगे ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे क्लियर तो हो जाता है कि x³ पावर 7 का बहुत ईजी था, x³ पावर 8/8 बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन ले लिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पावर का खेल खेलेंगे। छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो यहाँ पे ध्यान रखना। अगर रूट एक्स है तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ। बंदे गलती क्या करते हैं, रूट एक्स को रूट लगा के पावर ऐसे लिखते हैं। अबे ये क्या है बे, ये कुछ नहीं होता। क्लियर? तो ध्यान रखना ऐसे में क्या होगा, अगर छोटा सा इत्तू सा बोलना ही हो तो nth रूट इत्तू सा, तो इसका मतलब होगा x की पावर 1/n। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि मैंने कहीं पे 5th रूट x लिखा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/5। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है x की पावर 1/2। छोटी छोटी बातें और क्लियर करते हैं। पहले अगर पावर नीचे हो तो उसे ऊपर ले जाकर नेगेटिव लिखते हैं, तो नेगेटिव पावर को भी क्या करेंगे हम 1/a की पावर m लिख सकते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट इसी तरीके से अगर मान लो a की पावर m है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a की पावर -m। क्लियर? वेट जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। क्लियर? अब चलो देखते हैं एक बार। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन अब कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या, x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, x की पावर 3/2/3/2 प्लस c, तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। क्लियर? जिनको ये क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं ना, अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं सारी इंटीग्रेशन इसी इजी वे में सारी कंप्लीट होती जाएगी और हमारे को सारा समझ आता जाएगा। डन। वेट ये क्या हुआ यार, 3/2, तो ये तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो गया। रूट एक्स का डेरिवेटिव हमने याद कर रखा है तो इसे डेरिवेटिव मत कर देना, ये अलग है। दोबारा से देखते हैं, अगर मान लो रूट नीचे आ गया तो कोई बात नहीं, रूट का डेरिवेटिव 1/, रूट को क्या लिख सकता हूँ, पावर हाफ। कोई दिक्कत? फिर पावर हाफ को लिखने के लिए क्या करूँगा, पावर नीचे की पावर ऊपर जाके नेगेटिव रहेगी जो भी बताया। अब वेट x की पावर -1/2 है ये। फॉर्मूला कहता है -1/2 + 1 - 1/2 + 1। प्लीज़ छोटी सी चीज़ पे ध्यान देना कि क्या x की पावर 2 - 1/2 और 2 - 1/2, 2x² हाफ बचा जिसे 2 रूट x कहेंगे। एक समय आएगा जहाँ पे हम इस फॉर्मूले को ना एक फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे। जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव आपने 1/2 रूट x याद कर रखा है, तो 1/√x का इंटीग्रेशन 2 रूट x प्लस c याद कर लेंगे हम। क्लियर? अभी मैं ये नहीं कह रहा याद करो, पर आपको एक पावर का खेल समझ आ गया होगा कि इसी पावर के खेल पे कितने सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। इसी के आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे तो पावर का और बड़ा खेल आएगा। तो वेट अब ये बेसिक क्वेश्चन है, अब आप करके देखो एक बार। क्या करूँगा, पावर नीचे नहीं आएगी। हाँ, x की पावर 3/2 + 1 इंटीग्रेशन का सिंबल मत लगाओ, 3/2 + 1 प्लस सी। गुड। x की पावर 5/2 प्लस सी, 2/5 x की पावर 5/2 प्लस सी। मेरे साथ साथ बोलते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप और मैं ही हैं यहाँ पे। क्लियर? तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि भैया एक चीज़ बताओ कि हम ना ये x + 1/x का होल क्यूब तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिनको ये लग रहा होता कि डायरेक्ट करें। ये डायरेक्ट नहीं होगा, इसको फॉर्मूला खोल के ही करेंगे। और फॉर्मूला अब हमारे को आता है, फॉर्मूला क्या है, a³ प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, क्लियर यहाँ तक, प्लस 3ab स्क्वायर के होल के इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। डन। अब सभी ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि x पहले इसके ना मैं इंटीग्रेशन करानी है, पावर खोल के सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। ये अभी भी नहीं होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 3/x dx, और जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे x क्यूब का x की पावर 4/4, x की पावर पहले -3 ऊपर जाएगा तो x में -3 + 1 अपॉन -3 + 1, 3x का 3x स्क्वायर बाई 2, और अगर 1/x किसका डेरिवेटिव होता था, log x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x प्लस c। अब कुछ के मन में क्वेश्चन सराइज हो गया होगा कि यार ये log x कहाँ से आ गया, अभी बताया ना log x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/x, तो कभी भी 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पावर में लेके नहीं होगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x, इसके ऊपर अभी हम पकड़ बनाएंगे, क्लियर। x क्यूब -2/2 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 log x, log में जब भी लिखेंगे तो मोड लगा के लिखना, प्लस c। उम्मीद करता हूं अभी आपको जितने मैंने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे समझ आ गए होंगे, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पर अभी प्लीज़ इसी पार्ट से कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे, ये अभी हमने सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही फॉर्मूले पे फोकस करा था, वो भी कौन सा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। इसी में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे, उसको देख लीजिए, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारा आपको समझ आ गया होगा, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।